दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्काईराइडर इलेक्ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं भी आपके लिए एक और नई गाड़ी लेकर के आया हूँ। तो जैसे हर एक वीडियो में हम नई नई गाड़ियों की बात करते हैं, तो आज हमारे साथ एक और नई गाड़ी है स्काईराइडर इलेक्ट्रिक की ओर से। ये एक गोल्फ कार्ट है, एक 4 सीटर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट है, तो प्रीमियम सी गाड़ी है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में मोस्टली बात करने वाले हैं। पहले भी हमने काफ़ी सारी गोल्फ कार्ट देखी हुई थी, लेकिन इस साल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फेसलिफ्ट, मतलब मिड लाइफ फेसलिफ्ट, या आप बोल सकते हो कोई भी गाड़ी जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है या फिर 1 या 2 साल की रनिंग हो जाती है उसकी, कंपनी क्या करती है उसको थोड़ा अपडेट कर देती है। तो अभी इसी साल 2023 में हम लोग अपनी काफ़ी सारी गाड़ियों का ऐसे ही मिड लाइफ फेसलिफ्ट, या फिर उन जो सारी गाड़ियां काफ़ी पुरानी हो रही थी उनको थोड़े थोड़े अपडेट्स करके वापस से लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वैसे ही अपनी 4 सीटर गोल्फ कार्ट है। तो चलिए इस वीडियो में अपने फेसलिफ्टेड 4 सीटर गोल्फ कार्ट को देखते हैं, और क्या इसमें नया है, क्या क्या सारी चेंजेस करी गई है वो हम देखते हैं। तो अगर गाड़ी के फ्रंट के पैनल की बात करें, तो फ्रंट का बॉडी पैनल ज़्यादा कुछ चेंजेस करा नहीं गया है, काफ़ी कॉस्मेटिक सा चेंज है। हाँ, माइनर ट्विक्स करे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक बम्प सा आ रहा है, क्योंकि गाड़ी को अच्छी लुक देने के लिए होती है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर DRLs मिल जाते हैं, मतलब LED DRLs रहते हैं प्रोजेक्टर सेटअप के साथ। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ है वो आपका आया है अपने विंडशील्ड में। पहले यहाँ पे स्ट्रेट कट वाले विंडशील्ड आ रहे थे, अभी राउंड कट वाले विंडशील्ड आ रहे हैं, तो आपको चारों राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको जो विंडशील्ड क्लैंप्स है वो आपको मल्टीपल विंडशील्ड क्लैंप्स मिल रहा है, जो कि विंडशील्ड को पकड़ के रख रहा है और जो कि गाड़ी को एक अच्छी रिजिडिटी भी दे रहा है। तो फ्रंट में दूसरा एक चीज़ जो एड ऑन करा गया है वो है यहाँ पे नीचे का प्रोटेक्शन, एक गार्ड जैसा दिया गया है। ये गाड़ी को फ्रंटल अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई पत्थर वगैरह हो, कोई छोटी सी स्टोन्स वगैरह हो, वो जा करके गाड़ी के डायरेक्टली इंटरनल कंपोनेंट्स को हिट ना करे, इसीलिए यहाँ पे ये गार्ड दी गई है। साथ ही साथ ये गार्ड गाड़ी को अच्छी खासी प्रोटेक्शन और लुक भी देने में हेल्प करती है। उसी के साथ ही यहाँ पे ब्रांडिंग में भी सामने में चेंज करी गई है। पहले यहाँ पे ब्रांडिंग ऐसी वाली ब्रांडिंग नहीं आया करती थी, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डोम स्टिकर आ जी रही है, मतलब स्टिकर सामने में रह जा रहा है और ये नीचे में मेटल की ब्रांडिंग रह रही है। तो ये थे गाड़ी के फ्रंट के कॉम्पोनेंट्स या फिर फ्रंटल लुक्स में चेंज। अभी गाड़ी के साइड की बात करते हैं, तो अगर गाड़ी के राइट साइड पे आ जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। सबसे बड़े चेंजेस जो है सीट्स की कुशनिंग में है। सीट्स पहले थोड़े पतले से आते थे, अभी ज़्यादा कुशनिंग वाले आ रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट वाले और प्रीमियम वाले क्वालिटी के आ रहे हैं। और फ्रंट रो में भी वैसा ही है, काफ़ी आपको अच्छी कुशनिंग वाली सीट्स मिलती है। दोनों ड्राइवर का सीट और बैकरेस्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आ जाती है। यहाँ पे आपको आगे पहले की तरह हैंड या ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, लेकिन आप थोड़े दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो गाड़ी की आर्म रेस्ट है, ये गाड़ी का जो पिलर है, ये सब अभी बेंट आ रही है। ये पहले बहुत ही सीधे सीधे हुआ करते थे, अभी सारे के सारे ये चीज़ बेंट होकर के आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते क्या हो रहा है ना, गाड़ी का जो लुक है, जो गाड़ी की अपील है, वो थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। तो अभी अगर पीछे की बात करें, पीछे में आप देख सकते हैं ये पूरा बॉडी पैनल पीछे का चेंज हो चुका है। ये पीछे का बॉडी पैनल बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब एक आपको छोटा सा कंटेनर मिल जाता है, कभी होल जिसको बोल सकते हैं, छोटा सा कभी होल रह जाता है। और नीचे में आपको एक फुल ब्लैक बम्पर मिल जाती है, और नीचे में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग रह जाती है। तो पीछे में ये सारे चेंजेस हैं। और अगर गाड़ी के राइट साइड पे आ जाए, तो गाड़ी के राइट साइड पे भी लेफ्ट के जितना ही चेंजेस करे गए, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स रह जाएंगे, ड्राइवर के लिए ग्रैब रेल्स नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है वो भी बेंट मेटल से बनी हुई है, मेट ब्लैक फुल आपकी गाड़ी में आती है। जो मेटल कॉम्पोनेंट्स की कलर है वो फुल मेट ब्लैक में रहता है। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर्स हैं काफ़ी अच्छे विजिबिलिटी देते हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो आपको पूरी की पूरी विजिबिलिटी पीछे से दे देते हैं। तो अभी गाड़ी के अंदर बैठ के देख लेते हैं क्या आपको रहता है, कैसा पीछे क्या फील रहती है। तो गाड़ी के अंदर घुसने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा ऊंची नहीं है गाड़ी, तो आप आराम से गाड़ी में अंदर जा सकते हैं। और एक बार आप अंदर बैठ जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी फील होगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा नीचे में लेग रूम, जो कि काफ़ी अच्छी दी गई है। ये जो आगे वाला फाइबर कॉम्पोनेंट है आप देख सकते हो, ये थोड़ा स्कूप्ड आउट है, ये पहले जो था बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा था, इसी की वजह से यहाँ इतना का जो आपका लेग रूम रहता था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था।
लेकिन सिंस अभी ये स्क्रिप्ट आउट आ रही है, यहाँ पे पीछे के पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा लेगरूम मिल पा रहा है, तो कोई भी पैसेंजर अगर पीछे बैठे बिल्कुल पैर फैला के आराम से बैठ सकता है। आपको अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, सो दैट आप जब कोई उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हो ये ग्रैब रेल पकड़ के बैठ सको। और नीचे यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट रहती है और पीछे में बैकरेस्ट रहती है, तो गाड़ी पूरी की तरी पूरी पूरी की पूरी आपकी कंफर्टेबल रहती है, बहुत ही अच्छी फील भी आपको देती है। अभी चल के ड्राइवर के सीट में बैठ के देखते हैं क्या क्या आपको फील आ रहा था, या फिर क्या क्या चेंजेस करे गए, या फिर क्या अपडेट्स है यहाँ पे। तो ड्राइवर के कैबिन को पहले अगर आप देख लें, ड्राइवर का कैबिन काफ़ी स्पेशियस दिखता है, और ये भी स्पेशियसनेस उसी वजह से है क्योंकि ये जो नीचे का फाइबर का कॉम्पोनेंट है वो अभी थोड़ा छोटा हो चुका है, पहले ये पूरी बड़ी आती थी, बड़ी हैवी आया करती थी, लेकिन अभी स्पेस को काफ़ी अच्छे एफिशिएंटली स्पेस मैनेजमेंट करी गई है गाड़ी ने। तो अगर आप ड्राइवर के सीट पर बैठ जाएं तो ड्राइवर का सीट भी आपको बहुत ही अच्छी फील देता है। तो पहले अगर मैं बात करूँ ये जो स्टीयरिंग व्हील की, ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही आपको बढ़िया सी फील देता है, सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अपराइट है, और आपका जो स्टीयरिंग का पोजीशन है वो ज़्यादा लो भी नहीं है, वो आपके मतलब बराबर मेरे हाइट जितना, मेरा एवरेज इंडियन हाइट जितना हाइट है, तो यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी अच्छी स्टीयरिंग फील आ रही है। वहाँ पे आपके इग्निशन की मिल जाएगा आपको, नीचे में आपको थ्रॉटल पेडल, और ये आपका फुट ऑपरेटेड ब्रेक लीवर, और ये आपका पार्किंग ब्रेक रह जाता है। अगर स्टीयरिंग के स्टॉक पे बात करें, स्टीयरिंग कॉलम पे, तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्विच या स्टीयरिंग स्टॉक मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने गाड़ी के हेडलैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं, हॉर्न को ऑपरेट कर सकते हैं, और अपने टर्न इंडिकेटर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी के फॉरवर्ड और रिवर्स मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ही आपका ये कॉम्बिनेशन स्विच है जहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलती है, मतलब आप यहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स भी डाल सकते हो, इंडिकेटर्स भी चलवा सकते हो, हेडलैम्प ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और हॉर्न भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो आपको एक स्कोर कार्ड टाइप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, नॉर्मली आप कोई भी गोल्फ कार्ड देख लो, फॉरेन कंट्रीज में भी हो जाए, आपको इसी तरह की गोल्फ मतलब आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है जिसको स्कोर कार्ड टाइप स्टीयरिंग व्हील मिलती है। कुछ कुछ कंपनीज इसे एज अ एक्सेसरी ऑफर करते हैं, लेकिन हम इसे एज अ डिफॉल्ट ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं अपनी गाड़ी में। अभी हमने गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात कर लिया है, तो अभी चलिए गाड़ी के थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गाड़ी आती है ये आपको चार सीटिंग कैपेसिटी की आती है, 3+1 रहती है, मतलब 3 लोग आप बिठा सकते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ये चारों के चारों फॉरवर्ड फेसिंग सीट्स रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 फॉरवर्ड और 2 रियर फेसिंग का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन हमारे पास ये जो मॉडल है फिलहाल ये 4 फॉरवर्ड सीटर ऑप्शन का गोल्फ कार्ट हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। यहाँ पे इस गाड़ी में आपको बैटरी पैक मिलेगी, यहाँ पे आप एक लेडासिव बैटरी पैक लगी हुई है, बैटरी पैक की कैपेसिटी 48 वोल्ट और 120H बाय डिफॉल्ट रहती है, आप अगर चाहो 130, 140 या 150H ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। 48 वोल्ट की मोटर के साथ ये गाड़ी आपको लगभग कुछ 50 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, 25 किलोमीटर का मैक्सिमम टॉप स्पीड रहता है। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील रहता है आपका बिल्कुल मैकेनिकल रहता है, रक एंड पिनियन मैकेनिज्म से ये स्टीयरिंग व्हील चलती है। आपके जो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ, इसमें ड्रम ब्रेक्स लगी हुई है, हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स रहती है, और सस्पेंशन चारों के चारों व्हील्स पे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, और गैब्रियल के गैस के शॉकर्स मिल जाते हैं। तो ये थे गाड़ी के पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। पूरी गाड़ी वारंटी से कवर्ड आती है, जो आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड और वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन भी ऑफर करेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये गाड़ी आपको देख करके अच्छा लगा होगा, और क्या क्या चेंजेस आप इसमें चाहेंगे या फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं हमको ज़रूर लिख करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन और ट्विटर पर, और यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर आपको गाड़ी के बारे में इंक्वायरीज जाननी है या फिर गाड़ी के सेल इंक्वायरीज या परचेज इंक्वायरीज जाननी है गाड़ी के बारे में, देन हमें बिल्कुल कॉल कीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।